अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं चिकन वेजिटेबल हंगामा, जिसकी रेसिपी ये है। ये देखिए व्यूअर्स, आज हम जो स्टार्टर बना रहे हैं उसके लिए मैंने ली हूँ ये चार आलू है, जिसको मैंने मैश करके रखी हूँ उबाल बॉईल करके। ये एक एक शिमला मिर्ची है, लाल, पीली और हरी। अगर आपके पास लाल और पीली नहीं हो तो आप हरी डाल सकते हैं इसके जगह। और ये है एक चम्मच अदरक लहसुन है, दो से तीन हरी मिर्ची कटी हुई है, और ये है हरा धनिया थोड़ा सा कटा हुआ, और ये है 100 ग्राम चिकन। अब हम 100 ग्राम चिकन में भी ज़्यादा से स्टार्टर बनाएंगे, एकदम बजट में बनाएंगे। और ये है 8 से 10 ब्रेड के स्लाइस, और हमारे कुछ बेसिक से मसाले हैं, जैसे वाइट पेपर है, लाल मिर्ची है, थोड़ी काली मिर्च है, गरम मसाला है, चाट मसाला है। अभी मैं आपको सब मिक्स करके बताती हूँ। देखिए व्यूअर्स, अब हम इसमें हमारा जो बॉयल आलू है वो डालेंगे। इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, और किचन ये जो चिकन है ये कच्चा कीमा है, मैंने इसको मिक्सर में घुमा लिया। अब हम इसमें डालेंगे हमारी जो शिमला में वेजिटेबल है, ये मिक्स वर्जन बना रही हूँ मैं चिकन और वेजिटेबल का। प्लीज़ आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही। हम देखिए व्यूअर्स, अब मैंने इसमें वेजिटेबल और चिकन और आलू डाल दी हूँ। अब मैं डाल रही हूँ इसमें हरा धनिया, कम से कम आधा कटोरी होएगा, दो से चार हरी मिर्ची है, और ये एक चम्मच भर के अदरक लहसुन है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे सूखे मसाले, जिसमें है वाइट काली मिर्च का पाउडर, वाइट काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, अगर वाइट नहीं मिले तो आप काला डाल सकते हैं। और ये है थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब गरम मसाला। अब मैं डालूंगी इसमें आधा चम्मच सोया सॉस और आधा चम्मच चिली सॉस। ये हमने हरी मिर्ची भी डाली है। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने इसमें रेड चिली सॉस डाली और सोया सॉस डाली। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और अभी मैं इसमें डालूंगी नमक टेस्ट के हिसाब से। व्यूअर्स, ये मैं टेस्ट के हिसाब से नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अभी हम इससे करेंगे, फिर हम मैं इसको हाथों से मिक्स करूँगी। अभी मैं आपको बाद में आगे का बताती हूँ मिक्स करके। व्यूअर्स, ये मैंने मिला के रख ली, तो ये मुझे उसमें थोड़ा पतला लग रहा है, तो ये मेरे पास बचे हुए ब्रेड क्रम मैंने जो बनाई थी अपने पहले वीडियो में, और ये थोड़ी सी चीज़ है जिसको मैंने ग्रेट करके रखी हुई है, मैं इसमें मिला रही हूँ। आप भी अगर आपको पतला लगे तो आप ब्रेड क्रम डालना, नहीं तो स्किप करना। ये चीज़ और ये सब हम अच्छे से मिलाएंगे, इसको मैं रखती हूँ साइड में मिला के, और मैं आपको बताती हूँ ब्रेड को। ये साइड निकाल लेंगे, इसे काटना है इसको। ऐसे छोटे छोटे पीसों में इसको ऐसे काटना है, छोटे छोटे पीस में, देख सकते हैं आप। मैं अब आपको सब काट के बताती हूँ। व्यूअर्स, ये मैंने ब्रेड को काट ली हूँ, चौकोन चौकोन स्ट्रिप में काटी हूँ। अगर 1 से 2 दिन का भी ब्रेड रहेगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा। और क्या नाम, मैं अब इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर, आपको अगर नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हैं, मैं डाल रही हूँ, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ये। इसको हल्के हाथों से ऐसे मिलाएंगे, एक अंडा ली हूँ, इसमें मैंने सिर्फ नमक डाली हूँ, इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे, इसे
एक नमक डाली उसमें मैंने, अब मैं थोड़ा सा पोषण लूँगी इसका। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने कांडी ली जिसको मैंने पानी में भिगा के रखी थी, ये हम दो कांडी लेंगे। तो जितना बड़ा चाहिए आप उतना बना सकते हैं। अब हम इसको अंडे में डिप करेंगे, अच्छे से अंडा कोट करना है, फिर हम ये उठाएंगे हल्के हाथों से, इसको उठा लेंगे। ये बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैंने आपको एक चिकन हंगामा बताया, वो सिर्फ चिकन का था, ये मैं वेजिटेबल के साथ बना रही हूँ, थोड़े डिफरेंट टाइप में हो जाता है ये। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, इसका लुक देखो। व्यूअर्स ये हमारे बन के रेडी हो गए, देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े बने हैं, और ये इतना बैटर बच भी गया। अभी मैं कल बनाऊंगी, ये बहुत बजट में बनते हैं। और मैंने इसके लिए जो कांडी ली थी, ये वाली ली थी, ये कांडी लेके मैंने इसको बनाई है। दो कांडी में आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा बैठेगा एकदम। अब बस अब इसको हम आधा घंटा फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। बस ये हमारा तेल गर्म हो गया, अब हम अपना एक एक स्टार्टर इसमें उठा के डालेंगे। इसमें देखिए देखिए आपकी कढ़ाई में जितने आए उतने मेरे में दो ही आ रहे हैं, मैं दो ही डालूंगी। ये मैं एक और डाल लेती हूँ, ये आ जाएंगे शायद। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, एक तरफ से हो जान देंगे। ये देखिए व्यूअर, ये दो से तीन मिनट में मैंने पलटी कर दी थी, अभी हमारे होगा। इसमें कच्चा चिकन है, आलू है, आलू तो पका हुआ है, शिमला मिर्ची सब कच्ची है। इसको दो से तीन मिनट आपको अच्छा पकाना है, जब भी आपके स्टार्टर एकदम अच्छे बनेंगे। और थोड़े निकल भी गए ब्रेड के टुकड़े तो कुछ वो नहीं, अच्छे से आप ज़्यादा से लगाना। ये देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हुए, तेल ज़्यादा गर्म हो गया है। देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया, आप आवाज़ सुन सकते हैं इसकी, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए कितने बढ़िया स्टार्टर है ये। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब हम इसमें हमारा दूसरा बैच डाल देंगे, बस अब मैं आपको सब डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये व्यूअर्स, ये हमारा चिकन वेजिटेरियन हंगामा बन के रेडी हो गया है। ये मैंने दूसरे तरीके से बनाई, मैंने एक आपको और पहले भी दिखाई थी, वो सिर्फ चिकन का था, और ये मेरा वेजिटेबल भी है, इसमें सब तरह की वेजिटेबल भी है और चिकन आलू सब है। ये आप बनाना, ये बहुत टेस्टी बनता है और अपने कम बजट में बनता है। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लग रही है। प्लीज़ आप लोग इसे बनाइए, खाइए और बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।